मैं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं hindraj.com, खबर वही जो आपके लिए सही। आज हम लोग पहुंच गए हैं बनारस के घाट पर। यहाँ पे तकरीबन 85 घाट है और हर घाट की अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ पे कुछ घाट ऐसे हैं जो फेमस हैं। और आपको बता दें, बनारस में कुछ चीज़ों को लेकर जब आप आएँ तो आजकल काशी श्री विश्वनाथ कॉरिडोर का बहुत चर्चा में है। और इस वहाँ हम गए और वहाँ पे देखे, क्योंकि वहाँ कैमरा और अलाउड नहीं है। तो बस आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर कभी आपको आना हो तो सिर्फ आप दर्शन कर सकते हैं मंदिर की, और जो लोग मस्जिद में हैं तो वो सिर्फ नमाज़ पढ़ सकते हैं, वो भी तब जब नमाज का टाइम होगा तभी जा सकते हैं। और उस पर भी आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे मोबाइल रखवा लिए जाते हैं। तो बहुत सिक्योरिटी वाला मामला है वो एरिया, और कभी आप ये ना सोचें यहाँ आए तो फोटोग्राफी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है वहाँ पे। अब वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और थोड़ा सा बस पहले जैसे ये था कि जो माहौल था ओपन, वो अब नहीं रहा, क्योंकि बहुत जगह सिक्योरिटी हैं और आपस में बहुत जगह चेकिंग पॉइंट्स आपको गुजरना पड़ेगा। अब आपको बता दें, हम लोग जिस जगह हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, ये उत्तरी विधानसभा में आता है, यानी बनारस का उत्तरी विधानसभा। हमारे साथ वोट चालक हैं सागर जी, इनसे जानना चाहेंगे कि कुछ यहाँ की विशेषताओं के बारे में। बनारस जो है शिव की नगरी मानी जाती है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ कौन कौन से सबसे पॉपुलर घाट हैं। दशाग्नि घाट, हरिचंद घाट, मंकिका घाट, अस्सी घाट, राजघाट, ये एकदम फेमस घाट है। हाँ, यहाँ की। हाँ, उसके बाद ये अपने भारत की सबसे प्राचीन देश है। हाँ, और सबसे धार्मिक स्थान है, इसको धर्म की राजधानी बोला जाता है। ये कितनी घाट देख रहे हैं तो 600-700 पुरानी बनी हुई है। ये हर साल पानी में 4 महीने डूबी रहती है, पूरा बाढ़ आता है, पूरी पानी में डूबी रहती है। ये एरिया पूरा पानी में डूब जाता है, पूरी पानी में डूब जाता है। वो कौन सा महीना होता है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। हाँ, ये 4 महीने पानी का रहता है, सब प्रतिबंध हो जाता है, नाव हो कुछ नहीं चलता है, कोई आता नहीं है घाट। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे कोई खास घाट के बारे में बताइए जो पॉपुलर है, और किस घाट की क्या फेमस है? दशाग्नि घाट को वो बगल में पड़ता है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, कितने आते हैं दशाग्नि घाट, मेन घाट है, वहाँ से स्नान करते हैं, वहाँ स्नान करके सीधे मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहाँ गंगा आरती होती है शाम की 1 घंटे की, बहुत भीड़ होती है शाम को, फिर वो एकदम मेन घाट वही है। अस्सी घाट को सुबह में आरती होती है, अस्सी घाट जो है अस्सी घाट में सुबह में आरती है, वहाँ सुबह ये बनारस होता है, सुबह में गंगा आरती होती है, फिर उसके बाद कलासी म्यूजिक होती है, फिर योगा होती है एवरीडे, वो अस्सी घाट है। और हरिचंद मंकिका जो घाट है, पूरे भारत में 24 घंटे डेड बॉडी नहीं जलती है, क्योंकि वाराणसी में 24 घंटे डेड बॉडी जलती है। अब मंकिका घाट की व्यवस्था ये है, इसकी डेड बॉडी वहाँ जलती है, मोक्ष प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होती है, वो शिव जी वरदान दिए रहे, तो उसी जगह पर डेड बॉडी, पूरी भारत की डेड बॉडी वहाँ जलती है, और लोकल डेड बॉडी जो है वो हरिचंद घाट पर जलती है। अच्छा, हरिचंद, जैसे कोई कहीं और मृत्यु हो गई वो इधर, वो मंकिका पर जलती है, मंकिका पे। और जो वाराणसी के लोकल हैं उनकी डेड बॉडी राजा हरिचंद घाट पर जलती है, हरिचंद घाट पर होती है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु यही होनी चाहिए, मृत्यु यही होनी चाहिए, यहाँ हफ्ते साउथ है, लोग यहाँ आते हैं मृत्यु के लिए इंतजार करते हैं, मोक्ष भवन है, लक्षा पर है, मंकिका घाट पर है, उसको इच्छा होता है यहाँ आके रहते हैं, और बहुत आते हैं, मृत्यु होती कि नहीं होती उन्हीं बता सकते हैं, बहुत लोग आते हैं तो 1 साल 2 साल 6 साल भी रह जाते हैं, मृत्यु नहीं होती है, वापस जाते समय ट्रेन में हो जाती है तो घर जाते हो जाती है, यहाँ नहीं होती है, इसका जो कर्म होगा तब भी होगा, मोस्टली तो सबको तो पास। अच्छा, कोई कहीं और मृत्यु हो गई उसकी, अब यहाँ लाके दहन करा सकते हैं? हाँ, दहन होता है यहाँ होता, तो उनको मोक्ष प्राप्त है। अब तो लोग तो जो कहते हैं, हो सकता है मोक्ष प्राप्त होगा, तब ना लोग आते हैं दूर दूर की डेड बॉडी लेके बाहर बाहर के, ऐसा तो नहीं है, होता होगा, मुक्ति प्राप्त तो होती है तब ना। और क्या खास बात है यहाँ की? और यहाँ की खास बात ये है कि अपने यहाँ यूनिवर्सिटी है अपना, एशिया का नंबर 1 काशी यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद यहाँ पर सारनाथ है, बुद्धा का मंदिर है, फिर उसके बाद यहाँ का सबसे अपना
पूरी वर्ल्ड में इतनी बड़ी आपको घाट नहीं मिलेगी, इतनी बड़ी घाट आपको कहीं नहीं मिलेगी, पक्की घाट। उसके बाद यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ धर्म बहुत होता है, पूजा पाठ बहुत होता है। दिन भर मानिए 24 घंटे में तो 20 घंटे तो लोग पूजा पाठ करते हैं, यही सब है यहाँ। तो आप ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पूजा पाठ का माहौल काफ़ी है, रिलीजियस है। सबसे बड़ा घाट बनारस में ही पाया जाता है, बाकी जगह छोटे छोटे घाट होते होंगे। अच्छा, और यहाँ पे जैसे खान पान में लोग, हर सिटी की अपनी विशेषता होती है, यहाँ की क्या है? यहाँ की खान पान सुबह की है, देखिए पूरी कचूरी जलेबी है। यहाँ दो किस्म कचूरी होती है, एक होती है बड़ी वाली कचूरी होती है, एक होती है खस्ता कचूरी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है खस्ता कचूरी होती है। सुबह का बेस्ट है पूरी कचूरी जलेबी यहाँ का है, फिर शाम को है चाट है, दूध है, मलाई है, लवड़ी है, दही है, लस्सी है, ये है। फिर उसके बाद आपको तो खाने को यहाँ का पान है, मीठा मीठा पान यहाँ की। तो ये कहाँ मिलता है ये सब? ये मीठा पान आपको कहीं मिल जाएगा, एक है वहाँ लंका जाएंगे गामा पान वाले हैं उनके यहाँ मिलेगा, गुदलिया जाएंगे मिलेगा। फिर उसके बाद कई दुकानें हैं पान की, यहाँ तो हर गली गली में पान की दुकान है, कहीं में जाएंगे आपको पान। और पूरी सब्जी जो बता रहे थे, हाँ वो भी एकदम फेमस, हर गली गली में मिल जाएगी। अस्सी घाट वगैरह की फेमस है क्या? अस्सी घाट है, लंका है, दसाज में घाट है, बहुत जगह है। यहाँ पे ठंडाई लस्सी वगैरह भी मिलती है? ठंडाई भांग वाली मिलती है, नॉर्मल मिलती है, सब मिलती है। चलिए, ये थे हमारे साथ सागर जी, और मैं कहूँगा अपने कैमरा मैन को ये पीछे का दृश्य दिखाएं। और ये सामने आप देख रहे होंगे लाइन से, ये गंगा है, और गंगा के उस तरफ रेत टाइप का है, और वहाँ पे बहुत सारे कैमल हैं, और वहाँ पे लोग इस तरफ से उस तरफ जाते हैं नाव का के ज़रिए। और मैं ये कहूँगा सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे घाट हैं और मंदिर हैं, और वहाँ पे एक आगे जाएंगे तो आपको मॉस्क भी देखने को मिल जाएगा। बनारस जो है गंगा जमुना तहजीब की जगह मानी जाती है, और देखते हैं ये यहाँ के लोग और यहाँ के जो नेता हैं इसको कितना बचा के रखते हैं। और जैसा कि सागर जी ने यहाँ के बारे में बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया, तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए सही।